पिछले कुछ दिनों से शिंदे गुट और ठाकरे गुट दोनों एक ही दावा कर रहे हैं कि एक दूसरे के सांसद विधायक दूसरे पक्ष में शामिल हो जाएंगे। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी अगले साल होने वाले चुनाव के लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि से लगता है कि ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच अच्छी टक्कर है। ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने संबंध में मीडिया से बात करते हुए बड़ा दावा किया है। एक तरफ संजय राउत ने दावा किया है कि शिवसेना की 19 सीटें ठाकरे गुट के पास होंगी, लेकिन दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने कहा कि शिंदे गुट के कई विधायक और सांसद आने वाले दिनों में धमाका करेंगे। शिंदे गुट के कई लोग संपर्क में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गद्दारी करने वालों के लिए मातोश्री के दरवाजे दोबारा खुलेंगे। विनायक ने दावा किया कि मंत्रिमंडल विस्तार का सपना देखने वालों का अब मोहभंग होने लगा है। उन्हें ये भी आभास हो गया है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना नहीं है, इसलिए शिंदे गुट के विधायकों को खासदारों में भारी असंतोष है। विनायक राउत और संजय राउत के इस दावे के बाद शिंदे सरकार की टेंशन बढ़ गई है। बहरहाल संजय और विनायक का दावा कितना सही और कितना गलत साबित होगा, या फिर उद्धव गुट के दावे मुंगरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। क्या शिंदे सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएगी या सांसदों और विधायकों के उद्धव गुट में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लग पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।